ही पड़ जाएगा महाराज जी। अब माफी मत मांगिए और जल्दी से नमक डालिए, खाने का समय हो रहा है, ये लीजिए। गाय को पत्तल तुमने खिलाया, इसमें मेरी क्या गलती है? पर ध्यान तो आपने तो हमें डरा ही दिया। डराने का वक्त गया रानी साहब, अब कुछ करने का वक्त आ गया। मतलब हम हमेशा से आपके विश्वास की दाद देते आए, छू लेती है मन को ये आस्था, ये विश्वास जो आपका भगवान पे है, हम पे है, हमारे हमारे रिश्ते पे। लेकिन आप इस वक्त ये सब क्यों कह रहे हैं? ये गुलाब हमारे लिए? गुलाब नहीं रानी साहिबा,
इसे आप हमारी माफी और हमारा अलविदा समझिए। माफी, अलविदा, आप कहीं जा रहे हैं? हम नहीं रानी साहिबा, आप जा रही हैं। खाना तो इनमें परोसना था, अब हम क्या करेंगे? काई माता तो शान से निकल गई, अब हम क्या करेंगे देवी मैया? खुशी तुमने बताया ना, मेरी क्या गलती है? Just relax. हम परेशान होंगे ही ना, पता नहीं खाना कैसे लगाएंगे। प्लेट्स में। क्या? शादी में भोजन स्टील के प्लेटों में? आपको क्या लगता है सब आपकी तरह छुरी और कांटे से खाना खाते? मतलब शादी है अर्नब जी, और परंपरा यही है कि मेहमानों को पत्तल में ही खिलाया जाता है। पता नहीं इतने सारे पत्तल हम कहां से लाएंगे। ओके जस्ट रिलैक्स, मैं भी आता हूं। पनप, हम नहीं रानी साहिबा, आप जा रही हैं। अरे अब मंदिर कौन जा रहा है भाई, हम या आप? आप ही ना। और माफी? यही जो हम आपके साथ मजाक करते रहते हैं, आपको सताते रहते हैं। आज तक आपने हमें सिर्फ प्यार दिया है रानी साहब, और हमें की प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आप हमसे माफी मत मांगिए, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसे पति मिले। हम भी भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं रानी साहिबा, कि अगले जन्म में भी आप ही हमारी पत्नी बने। खाने का समय हो गया और आप हमें अभी बता रहे, तो फिर खाना कौन परोसेगा? इनसे बात करना ही बेकार है। लगता है हमें सब कुछ करना होगा। अर्नब जी, खुशी में पत्तल ले आओ, इतने बहुत हो गए। 10-15 लोगों को बुलाया है, 10-15 हजार नहीं, आप तो पूरे शहर के लिए पत्तल लेकर आए।
अलविदा रानी साहिबा, उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक पहुंच जाएंगी आप। मंदिर नहीं, सीधे भगवान जी के पास। अब बात यह है रानी साहिबा कि ब्रेक तो लगेगी नहीं। भाई आम बात है ब्रेक का फेल होना, होती रहती है। आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा रानी साहिब, खुशी जी है ना, वो हमें संभाल लेंगे।